नमस्कार, जीएन भारत देख रहे हैं आप। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सभी विभागीय अधिकारियों के साथ आज बैठक की और ये जो बैठक थी ये समीक्षा बैठक थी और ये बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और चर्चा के साथ साथ जो है कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभागीय अधिकारियों को कई दिशा निर्देश उन्होंने दिया है। जैसे कि जिस तरह से अभी जो कृषि विभाग में जो चुनौतियाँ हैं, इस चुनौतियों से कैसे निपटारा हो और कई तरह की जो समस्या आ रही है किसानों को, युवाओं को, इन तरह की समस्याओं को किस तरह से निपटाया जा सके, इसको लेकर जो है कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। और वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई बातों का जिक्र किया है और उन्होंने अपने साफ साफ शब्दों में कहा है कि कृषि विभाग में जो है अपार संभावनाएँ हैं, इस अपार संभावनाओं को तलाशते हुए जमीनी स्तर पर किस तरह से काम हो इस पर कृषि विभाग की नज़र है। तो शिल्पी नेहा तिर्की क्या कह रही है सुनाते हैं आपको। बतौर कृषि मंत्री मैंने कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग का हम लोगों ने समीक्षा बैठक किया जिसमें सभी उच्च अधिकारी उपस्थित रहे और इस बैठक में विशेष रूप से हमारा उद्देश्य था कि हम लोग समझे कि हरेक वर्टिकल में, हरेक जो विभाग के विंग है उसमें कौन कौन सी योजनाएं अभी जारी हैं और हमारे चुनौतियां क्या हैं जो आने वाले कुछ एक महीना में जो हमारी बजट है उसको हम लोग पूरे तरीके से उपयोग कर सके। काफ़ी विस्तार से ये बैठक चला, काफ़ी लंबा बैठक चला, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं, मगर फिर भी क्योंकि विभाग इतना गहरा है ये संभव नहीं है कि आप एक ही दिन में सब चीज़ों को समझ के सभी चीज़ों का निष्पादन हम लोग कर लें, मगर एक अच्छा शुरुआत रहा है और विभाग के अधिकारियों के साथ भी एक तालमेल बैठाने का प्रयास रहा है हमारा। हमारे विभाग के जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है, क्योंकि मैं सबसे युवा मंत्री भी हूँ तो युवा विचारों के लिए एक खुला दिमाग रखें, गहरी समझ रखें ताकि हम नए चीज़ों को कर सकें। और भी आ सकता है, किसानों से आ सकता है, हमारे कोऑपरेटिव्स के सदस्य से आ सकता है, तो हम सभी को वो एक ओपन माइंड रख के काम करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज है, जितने भी उच्च अधिकारी हैं सभी को निर्देशित किया गया है कि सप्ताह में दो दिन वो फील्ड में रहेंगे, अपने अपने विभाग के जो भी चलाए जा रहे कार्यक्रम है उसमें वो सप्ताह में दो दिन उपस्थित रहेंगे ताकि जमीन स्तर की जो चुनौतियां हैं उनको हम लोग इस बैठक में ला सकें। हम लोग महीने भर इस बैठक को भी लगातार करेंगे ताकि ये जो चुनौतियां हैं वो लगातार हमारे सामने रियल टाइम आ सके। इसके अलावे उन्हें साफ निर्देशित भी किया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही कोई भी योजना जब झारखंड में यहाँ पे आएगी हमारे कृषि पशुपालन और सहकारिता से संबंधित, तो पहले उसका समीक्षा हम लोग व्यक्तिगत रूप से यहाँ करेंगे। जब हमारे राज्य सरकार उन योजनाओं से कन्विंस्ड रहेगी तभी हम लोग आगे उन योजनाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ तीन चीजों में विशेष ध्यान रहेगा आने वाले समय में, जो FPOs हैं उनको हम लोग और कैसे बढ़ावा दे। दूसरी चीज है जो मवेशियों के लिए जो बाजार होती है उन बाजारों को हम लोग और कितना कैसे दुरुस्त करें, बढ़िया करें, और जो किसानों को दो दुविधा होता है, जो दिक्कतें होती हैं मवेशियों को खरीद बिक्री करने में, उन चीज़ों को भी हम लोग कैसे दूर करें। इसीलिए जो बाजार हैं, ग्रामीण बाजार हैं, मवेशी बाजार, उनको एक्सपैंड करने के लिए भी हमारा फोकस रहेगा। साथ ही साथ आप देखे होंगे कि अभी बहुत सारे कोल्ड स्टोरेजेस बने हुए हैं मगर जिस वजह से भी वो फंक्शनल है नहीं, तो नए कोल्ड स्टोरेजेस के प्रोजेक्ट के बजाय जो ग्रामीण क्षेत्र की बाजार हैं उनको हम लोग कैसे दुरुस्त करें उसमें भी हमारा गहरा ध्यान रहेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।